हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9 से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रॉम द चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सारे रूल्स सिखाए हैं कि कैसे लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चनों में वो सारे रूल्स लगाए जाए और क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। उन्हीं रूल्स पर आज हम आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। एक क्वेश्चन तो हमने यहाँ लिखा ही है, आगे आने वाले वीडियोज में डिफरेंट डिफरेंट काफी अच्छे क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए देखिएगा, फिगर आपके सामने एक छोटा सा ही क्वेश्चन है और क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। देखिए इसमें आपको दिया हुआ है, ये गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन में कि जो सीडी है वो पैरेलल है एबी। ठीक है, ये जो सीडी है वो एबी के पैरेलल है और ये एंगल 55 दिया, इसको हमने एंगल 1 मान लिया है। एक एंगल 32 दिया, इसको हम एंगल 2 मान लिया है। हमें ये एंगल ए निकालना है। एक्चुअल में एंगल ए तो अभी कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा कंसेप्ट देखिए। मैंने क्या किया, एक O पॉइंट से कंस्ट्रक्शन किया और O पॉइंट से एक लाइन डाल दिया LN जो कि पैरेलल है AB और CD दोनों के। तो देखिए मेरा कंस्ट्रक्शन क्या है, इधर कंस्ट्रक्शन LM पैरेलल टू AB पैरेलल टू CD। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो एंगल A है ये पूरा एंगल है, तो मैं इस एंगल A को थोड़ा सब डिवाइड कर रहा हूं, इसको अंदर लिख रहा हूं, इसको इसको तो वन मान लेता हूं और इसको टू मान लेता हूं। मेरे लिए अब एक्चुअल में जो ए क्या है वो मेरे पास वन प्लस टू है। अगर मैं वन प्लस टू को इंडिविजुअली निकाल के ऐड कर दूं तो मेरे पास ए निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखो, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो सी डी है वो एल एन के पैरेलल है। ठीक है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, CD जो है वो LM के पैरेलल है। देखिए रीजन क्या लिखेंगे, बाय कंस्ट्रक्शन, हमने अभी ऐसा कंस्ट्रक्शन में लिखा है। तो देखिए ये दो लाइंस आपस में पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो देखना मैंने रूल्स के हिसाब से टेढ़े डायगनल बन रहा है, डायगनल बन रहा है और अंदर वाले, मतलब मैं कह सकता हूं या थोड़ा नाम चेंज करना पड़ेगा, वन और टू हम ऑलरेडी ले चुके हैं, इसको थ्री और फोर लिख लेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं डायगनल है, टेढ़े बने हुए हैं और अंदर वाले हैं, तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और टेढ़े और अंदर वाले हैं। रीजन होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप अभी इसमें शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, रीजंस में हमेशा फुल फॉर्म में लिखिएगा, वरना मार्क्स भी शॉर्ट फॉर्म में मिलेंगे और मेक इट इक्वेशन 1। ऐसे ही आप देखिए कि जो LM है वो पैरेलल है AB के, LM जो है पैरेलल है AB के, रीजन लिखिए इसके लिए, अगेन बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू पता चला था। देखिए यहाँ पे वही कंसेप्ट आ रहा है, दो लाइंस आपस में पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इसे काट रहा है, टेढ़े डायगनली बन रहे हैं और अंदर वाले, तो एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है। फिर से रीजन वही है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और मेक इट इक्वेशन 2। जैसे कि हम जानते हैं कि हमें 3 प्लस 4 अपने आंसर में चाहिए, 3 और 4 हमारे पास इंडिविजुअली आ गया है, तो मैं क्या करता हूं दोनों को ऐड कर देता हूं, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए जरा 1 प्लस 2 हो गया, यहां 3 प्लस 4 हो गया। अब 1 का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 55 डिग्री, 2 का वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 38 डिग्री और 3 प्लस 4 को ही हमारे क्वेश्चन में ए दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐड कर लेते हैं 8 9 10 11 12 13 और 6 और 3 9 से ऐड कर लेते हैं 13 4 93, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, देन द वैल्यू ऑफ ए इज 93 डिग्री। इस तरह से आपको उन रूल्स को जो हमने आपको लाइन साइकल्स के लिए बताए थे यूज करना है। ठीक है, दैट्स ऑल। हमारे व्यूअर्स को अगर हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप कमेंट शेयर लाइक कर सकते हैं, आप अपना क्वेरी भेज सकते हैं, हमारा ईमेल आईडी है mittal.deltainstitute@gmail.com। आप अपना नाम, अपनी क्लास और कहां से हमें क्वेरी भेज रहे हैं ये लिखना ना भूलें। दैट्स ऑल।